गुड मॉर्निंग केट्स हैव अप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग यूर होमवर्क डेली आज हम क्या करेंगे आप बताओ यस yes. चलो मैं बताती हूँ आपको आज हम व्यंजन मतलब क ख ग ग हमने ये जो किए हुए हैं ना व्यंजन बोलते हैं इनको है ना क से ग इनको व्यंजन कहते हैं हमने क से अण तक किए थे ना आज हम तरबूज से श शलगम तक ये आज हम कंटिन्यू करेंगे आपने मैम के साथ राइट करना है सुंदर सुंदर राइट करना है और अपनी पेंसिल्स और हिंदी की नोटबुक हिंदी की नोटबुक कौन सी होती है जिसमें फाइव लाइंस बनी होती हैं ओके जिसमें फाइव लाइंस बनी होती हैं वो नोटबुक लेके आप जल्दी से रेडी हो जाओ और आप मैम के साथ आज नेक्स्ट अपनी इसके बाद जो हमने अड़ा तक राइटिंग की थी उसके बाद हम राइट करेंगे ओके चलो जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ चलो लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ कर् न मैं जब तक आपको ये रिवाइज कराती हूँ तब तक आप जल्दी से अपनी नोटबुक्स और पेंसिल एंड इरेजर लेके रेडी हो जाओ फिर हम नेक्स्ट राइटिंग वर्क करेंगे आप जल्दी से मेरे साथ ये रिवाइज करो ये क्या होता है बेटा ये आपने राइट किया था ना क से कबूतर दिस इज क से कबूतर ये क्या होता है मेरे साथ बोलो क से कबूतर वेरी गुड ये क्या होता है ख खर से खरगोश ये क्या होता है ख खर से खरगोश वेरी गुड ये क्या होता है हाँ बताओ आपको ग से हम्म गमला ग से गमला वेरी गुड और ये क्या होता है घ से घड़ी घ से घड़ी अण खाली अण खाली।, खाली अब आप दोबारा बोलो क अब आपने से कबूतर नहीं बोलना इसको ऐसे बोलो क यस क ख वेरी गुड next ch yes ch 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 j j jh ch aya aya okay very good t ta

अब आपने भी यही प्रैक्टिस करनी है बेटा कि इसको क से कबूतर नहीं बोलना क्योंकि अगर आप इसको बार बार ऐसे क से कबूतर बोलोगे तो आपको ज्वाइन करके रीड करने में डिफ़िकल्टी होगी ठीक है तो आप मैं मदर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बच्चों को ऐसे ही प्रैक्टिस करवाओ क ख ग घ गण च छ ज, ज, ज थ, द, द, अन, ओके, वेरी गुड चलो नेक्स्ट आज हम राइटिंग सेक्शन करते हैं नेक्स्ट ठीक है तो टुडे इज ट्वेंटी अप्रैल अप्रैल का फोर्थ मंथ होता है ना इसलिए मैंने यहां पर फोर राइट किया है ओके टू जीरो टू वन टू जीरो टू वन मतलब टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ओके और आज हम क्या करेंगे वर्क से श तक ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद आर फर्स्ट व्यंजन यहाँ पर देखो सेकेंड जो सेकेंड लाइन होती है ना फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे लाइन लगाओ मेक अर क्वेश्चन यहां तक बेटा ये जो व्यंजन की फॉर्मेशन होती है ना मोस्टली मोस्टली व्यंजन यहाँ यहां तक फिनिश हो जाते हैं इससे आपने नीचे नहीं निकालना ओके ये रॉन्ग हो जाता है अगर आप इसे नीचे निकालेंगे तो ओके चलो लेट्स स्टार्ट मेक अ स्टैंडिंग लाइन एक स्टैंडिंग लाइन लगाओ यहाँ पर सेंटर पे पेंसिल रखो और ऐसे कर्व कर दो ये क्या बन गया त तर, तरबूज त तर, तरबूज मैं सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको बता रही हूँ कि त तर से तरबूज होता है आपने इसको सिर्फ त बोलना है ओके नेक्स्ट इस क्या बनेगा त के बाद क्या आता है थ कैसे बनता है एक कर्व करो छोटा सा सर्कल लो से ये क्या बन गया थे जब भी कोई सर्कल बनता है हिंदी में व्यंजन में मोस्टली व्यंजन में जितने भी ऐसे ये सर्कल बनते हैं इनके ऊपर लाइन नहीं आती ओके त, थ, द, द द से क्या होता है दवात द से दरवाजा भी होता है ओके त थ, द, 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 ध क्या होता है ध से धनुष ये क्या बन गया ध से धनुष त तो, मेरे पीछे पीछे बोलो आप ठीक है त न कैसे बनेगा एक स्टैंडिंग लाइन लो इस सेंटर वाली लाइन पे एक छोटा सा स्लिपिंग लाइन और एक ऐसे ऐसे लेना है जैसे वी बनता है ना वैसे लेना है बिल्कुल ऐसे वाला ट्राइंगल जैसा एक लूप लेना है ओके न से नल न से नल चलो रिपीट करें आप रिवाइज करें इसको त, थ, द, ध, न ओके डन शेल बी मूव आ यस ओके ध नेक्स्ट क्या होता है आप बताओ हम्म hmm. प पतंग ये तो आपको आते हैं आपने नर्सरी में सारे व्यंजन किए हुए हैं ना मैम एक क्विक रिविजन कराने के लिए आपको ये करवा रहे हैं दोबारा ओके okay? प से पतंग प से पतंग फिर क्या होता है सेम पतंग बना के बस उसकी एक टेल बना दो ये क्या बन गया फ से फल प, फ, प फ। स्टैंडिंग लाइन एक ऐसा सर्कल बना लो इसको ऐसे कर दो एक स्लैंटिंग लाइन ले दो दिस इज क्या बन गया ब ब बतख प, प नेक्स्ट क्या होता है अच्छा आपको मैं भा भालू बनाना सिखाती हूँ अब इसके बाद भ आता है ब के बाद बहुत से बच्चे भ भा भालू में कंफ्यूज होते हैं अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप क्या करो ये देखो पहले मां मछली बना लो ये बन गया ये तो सभी को आता है बनाना बस इसको एक ऐसा छोटा सा कैप बना दो ये भ भा भालू बन गया है ना भा भालू के भी इस हेड के ऊपर कैप के ऊपर ये वाला लाइन नहीं आएगा ओके भालू और ये देखो मैम ने यहाँ पर देखो म मछली में भी नीचे नहीं लगता ये ठीक है ये नीचे ज्वाइन नहीं होगा ओके जैसे ग में भी नीचे नहीं आता ना ऐसे ही भ में भी नीचे नहीं लगेगा ब, ब, नेक्स्ट क्या आएगा ये तो बहुत इजी है अभी सिखाया है मैम ने मछली एक बार रिवाइज करें इसको और आप बोलोगे मेरे साथ साथ चलो आप मेरे साथ साथ बोलो. प, फ, ब, भ, म वेरी गुड चलो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या आता है नेक्स्ट व्यंजन क्या होता है य जैसे थ बनता है सेम वैसे य बनता है बस थ में यहाँ पे हम कव कर देते हैं इसमें हम कव नहीं करते यज्ञ यज्ञ बहुत इजी है तो अपने ख की फॉर्मेशन आती है तो बस र की फॉर्मेशन भी इजी है है ना य मोस्टली बच्चे गलती करते हैं तो इसमें कैसे बनाना मैं बताती हूँ आपको स्टैंडिंग लाइन लो सेंटर में यहाँ लाइन अपनी पेंसिल रखो एक स्लैंटिंग लाइन लो देखो है ना स्लैंटिंग लाइन ली ना फिर इसको ऐसे एक कर्व कर दो देखो क्या बन गया है लट्टू ल लट्टू ल, 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 य र, ल, व। जैसे ब बतक बनता है वैसे व बनता है बस इसमें यहां पर हम सेंटिंग लाइन नहीं लेते व शलगम डन आपने ये मैम के साथ साथ करना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है ओके okay? चलो हम एक बार रिवाइज करें त थ, द, dah nah pah fa bah bah mah yah ra la wah shuh very good आपने अब ये वाला वर्क जो मैम ने दस से छलगम तक कराया है आज आपने ये सुंदर सुंदर वर्क नोटबुक में करना है और मैम आपका चेक करेंगे और आपने डेली अच्छे बच्चे के जैसे वर्क करना है जैसे आप स्कूल में आके वर्क करते थे वैसे आप मैम के सामने आप मैम के साथ में फोन पे बैठ के वर्क करना है ओके करेंगे ना आप यस गुड जॉब बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे सारे बच्चे है ना Chalochi Kevin. We will meet soon in the next class. Till then, take care. Bye bye.